राजस्थान के खाने की शान राजस्थानी बाटी का चूरमा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, पर आज जिस स्टाइल में मैं आपको बना के दिखाऊंगी और जिन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज करूंगी, उससे जो चूरमे का जो टेस्ट आएगा आप उसे बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। ऐसा राजस्थानी बाटी का चूरमा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। गाइस वेलकम टू जनरल स्वीट डिलाइट। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और हमें देसी खांड का यूज़ करना है। नॉर्मल खांड भी यूज़ कर सकते हो, बट देसी खांड ज़्यादा हेल्दी होती है। हमें 1/2 कटोरी सूजी लेनी है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और देसी घी मैं आपको बताती रहूँगी आपको कब कब कितना कितना डालना है, और दूध का यूज करेंगे हम अपना बाटी चूरमा को बनाने के लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं की आटा और सूजी को हम दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। सूजी डालने से चूरमे का टेक्सचर और उसका टेस्ट है वो एनहांस होता है। इसमें मैंने 5 बड़े चम्मच देसी घी डाले हैं और इस देसी घी को हम अच्छे से अपने आटे में मिक्स कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से आपको अच्छे से हाथों से मल मल के इस देसी घी को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हम इसका एक टाइट सा आटा सा गूंथ के तैयार करेंगे, जैसे कि हम कुकीज़ बनाते हैं उस टाइप का आटा हमें टाइट सा गूंथना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है आटे को। और सबसे पहला फर्स्ट ट्रिक जो है जिससे कि हमारा चूरमा टेस्टी बनेगा वो ये ट्रिक है कि मैं इसको पानी में नहीं गूंथ रही, दूध में गूंथ रही हूँ। और दूध में जब आप आटे को गूंथोगे तो उससे चूरमे का टेस्ट डबल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट में रहेगा। तो ये मेरी फर्स्ट सीक्रेट टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि आपको क्या करना है, आटे को पानी में नहीं दूध में गूंथना है। अब हम इसकी छोटी छोटी बाटियां, आप जैसे देख रहे हो मैं हाथों से कैसे इनका शेप दे रही हूँ, ऐसे आपको बना के इसको तैयार कर लेना। और इतना टाइट आटा हमें अपने बाटी का रखना है, ठीक है। इस चूरमे की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसे 2-3 दिन तक आराम से इंजॉय करके खा सकते हो। आप इसे बनाओ और एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दो और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसे खोल के खा सकते हो, ठीक है। सेकेंड सीक्रेट टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ जो कि चूरमे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है, वो ये है कि मैं इसे कभी भी ऑयल में फ्राई नहीं करती, मैं इसे देसी घी में फ्राई करती हूँ। और देसी घी भी मैं उतना ही लेती हूँ जितने की मेरी बाटियाँ हैं जो अच्छे से इसमें डूब जाए। ज़्यादा देसी घी नहीं लेना है, हमें देसी घी को बिल्कुल भी जलाना नहीं है क्योंकि देसी घी बहुत ज़्यादा महंगा आता है, ठीक है। तो उतना ही देसी घी लीजिए जितने की आपकी बाटियाँ अच्छे से भीग जाए और फ्राई हो जाए। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करना है जिससे कि बाटियाँ अच्छे से अंदर से भी और बाहर से भी सिक जाए, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें निकाल सकते हैं। देख रहे हो कैसा कलर है इनका, ऐसे कलर की जब आपकी बाटियां हो जाए तो आप इन्हें निकाल लेना, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में मैं वीडियो में आपको बना के दिखा रही हूँ 2 कटोरी गेहूं के आटे से, इतनी क्वांटिटी अगर आप लोगे तो 4 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। सारी बाटियों को हमें फ्राई करके रख लेना है और इनको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करने के लिए आप रख देना, और ठंडा होने के बाद आप इन्हें छोटी छोटी पीसेस में जैसे आप वीडियो में देख रहे हो आप इन्हें तोड़ लेना, ठीक है, जिससे कि जब आप इन्हें पीसोगे तो ये आराम से मिक्सी के जार में पीस जाएगी। आपको इसे 2-3 बार पीसना पड़ेगा, एक बार पीसोगे फिर आप उसे निकालना, फिर अगर उसमें बड़े बड़े पीसेस बच गए तो फिर उन्हें दोबारा पीसना। तो ऐसे शायद 3 बार आपको ऐसा करना पड़ जाए कि आपको 3 बार मिक्सी के जार में इनको पीसना है। एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, ये मेरी थर्ड टिप है, कि कभी भी आपको चूरमे को एकदम सूजी की तरह नहीं करना है। आप देख रहे हो ये छोटे छोटे चंक्स से होंगे इसमें, मैं जो आपको दिखाऊंगी वीडियो में ये छोटे छोटे आपको ऐसे रखने हैं। जब ये मुंह में आते हैं तो आपको ये ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग देते हैं, तो ये एक सीक्रेट टिप है जो आपको फॉलो करनी है। एकदम बारीक नहीं आपको पीसना है, इसमें आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो और देसी घी भी आप कितना हैवी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से डाल सकते हो। मैं देसी घी बहुत ज़्यादा डालती हूँ, और अब आप देख रहे हो शुरू से ही हमने आटा गूंथा तब देसी घी डाला, हमने इनको देसी घी में फ्राई किया है अब हम देसी घी डाल रहे हैं। और मैं ज़्यादातर जब खाती हूँ तब गरम गरम घी चूरमे के ऊपर से 1-2 चम्मच डालती हूँ, तो उससे चूरमे का और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चूरमे की जान ही देसी घी होती है, तो देसी घी अगर नहीं होगा तो चूरमे में वो स्वाद नहीं आएगा। इसमें आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो,
और हमारा देसी घी का बाटी का राजस्थानी चूरमा बनके तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।